हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, आज है वीडियो नंबर 17 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9, कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो चलिए आज खत्म करते हैं इस चैप्टर को। ओके, हम लोगों ने शुरू से लेके एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके और पूरा जितने सारे टॉपिक्स है सब कवर किए। ओके, आज आखिरी वीडियो है इस चैप्टर का, जो हम लोग करने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। ओके, जिसमें सब कुछ रहेगा, सब कुछ, फोर फीचर, री सू, आपका कॉल सिनेरियर, प्रोराटा, हर चीज। ओके, तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखना। ओके, बहुत कुछ समझना होगा इस चैप्टर में। ओके, इस क्वेश्चन में तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो स्क्रीन पे आ जाएगा आपका, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 76, अल्फा लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 75,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। द अमाउंट वॉज पेएबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ₹4, फर्स्ट कॉल 3, ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल बैलेंस जो भी बची है, तो 4, 3, 7 और 3 बची है, तो ये ₹3 हो जाएगा सेकेंड कॉल का। ठीक है, 75,000 इक्विटी एप्लीकेशन इनवाइट किया था, एप्लीकेशन फॉर 1,00,000 शेयर वे रिसीव्ड। ओके, इशू किया था 75, रिसीव हो गया है 1,00,000, ज़्यादा आ गया है कि नहीं, ओवर सब्सक्रिप्शन माना जाता है। शेयर्स वेयर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेशन ऑन प्रोराटा बेसिस, अब प्रोराटा का काम किया जाएगा, एंड एक्सेस मनी रिसीव विथ एप्लीकेशन, जो भी एक्सेस मनी आया है उसको ट्रांसफर टू अस सम ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। बीवा हु वाज अलॉटेड 750 शेयर, जिसको 750 शेयर अलॉट किया गया है, अप्लाई कितना के लिए किया था इसने, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। अलॉट किया गया है 750, तो अप्लाई ज़्यादा के लिए ही किया होगा, है कि नहीं। हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं कि अलॉटेड दिया हुआ है तो अप्लाइड फाइंड आउट करना है। तो चलो वो तो बाद में देखा जाएगा, पर अभी देखते हैं कि बीवा हु वाज अलॉटेड 750 शेयर फेल टू पे फर्स्ट कॉल। सही है, हर शेयर वो इमीडिएटली फॉरफिटेड, आफ्टरवर्ड्स द सेकेंड कॉल वाज मेड, उसके बाद सेकेंड कॉल किया गया। द अमाउंट ड्यू ऑन सेकेंड कॉल वाज आल्सो रिसीव्ड एक्सेप्ट 1,000 शेयर अप्लाइड बाय मोनिका, एक मोनिका नाम का कोई था जिसने 1,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, 1,000 शेयर अप्लाई किया था, उसको अलॉट कितना हुआ था अब वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, हर शेयर्स वर आल्सो फॉरफिटेड, ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइशू टू मोहित, मोहित को रीइशू कर दिया गया जितना भी फॉरफिटेड शेयर है फॉर 9,000 एज फुल्ली पेड। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अल्फा लिमिटेड फॉर द अबोव ट्रांजेक्शन। ओके, तो कहानी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। ओके, थोड़ा समझने का खेल है। पहला बात तो पहले 10 ईच है, ओके, 10 रुपये करके है, तो 10 रुपये में क्या क्या है, 10 ईच। ओके, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 4, ये है 3 और बच गया जो 3। ओके, तो ये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ओके, हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 76, पेज नंबर 9.123। तो ये तो पता चल गया। ओके, इशू किया था 75,000 के लिए, 75,000 शेयर आ गया, रिसीव्ड हो गया 1,00,000 शेयर। तो जो ज़्यादा हुआ है, ज़्यादा कितना हो गया, 25,000 शेयर एक्स्ट्रा, उसको प्रो राटा बेसिस पे क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा फर्स्ट कॉल पे। ओके, चलिए, तो ये कुछ कहानी है, तो हम लोग सोचना कुछ नहीं है, हमें स्टार्ट कर देना है नंबर 1 जर्नल एंट्री से, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, तो कितना आया था, 1, 2, 3, 4, 5 × 4, तो इतना तो पता ही है कि 1,00,000 रिसीव हो गया है 4 रुपया करके, एप्लीकेशन 4 रुपया है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो ये आ गया 4,00,000, 1,00,000, 4,00,000। इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ओके, नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ओके, अब देखो हम लोगों को क्या है, प्रोराटा है, एक्स्ट्रा कितना आ गया 25,000, है कि नहीं? समझो खेल को समझना होगा। एक्स्ट्रा आ गया है 25,000, ये सर 75 इशू किया था, 1,00,000 आ गया, 25,000 एक्स्ट्रा आ गया, ये सर नो। तो ये एक्स्ट्रा ये कहाँ पे प्रोराटा एडजस्ट किया जा रहा है, फर्स्ट कॉल पे। तो 25,000 मल्टीप्लाई 4 है कि नहीं, अलॉटमेंट और एप्लीकेशन 4 है, तो 1,00,000 रुपया आ गया। तो 1,00,000 रुपया आप कहाँ लिखोगे, फर्स्ट कॉल पे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। टोटल 4,00,000 था, तो 4,00,000 तो यहाँ पे आ ही जाएगा, और बाकी जो बची है 3,00,000। ओके, ये चीज आपको समझना होगा, 25,000 एक्स्ट्रा था मल्टीप्लाई 4, ये आपको समझना होगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। शेयर फाइनल कॉल, सॉरी ये मैं गलती कर दिया, फर्स्ट कॉल। ओके, शेयर फर्स्ट कॉल, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, थर्ड, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एक तो एडजस्ट हो गया 25,000, बचा कितना अब तो 75 बची है ना, 25,000 तो एडजस्ट हो गया, तो 75,000 मल्टीप्लाई 3, 75,000 मल्टीप्लाई 3 रुपया करके क्या था आपका फर्स्ट कॉल का था, तो फर्स्ट कॉल का 3 रुपया करके, तो ये मल्टीप्लाई किए तो हम लोग आ गया 225,000, 225,000, 2,25,000। अब पैसा मांग लिए, अब मिलेगा, अब कितना मिलेगा, इसमें तो आपका कॉल सिनेरियर भी आ जाएगा। तो हम लोग कॉल सिनेरियर नहीं लिखेंगे, सीधा हम लोग लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब ये कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। हम लोगों ने मांगा कितना, हम लोगों ने मांगा ये बताता हूँ, 225,000 माइनस 1,00,000, तो ऊपर ही एडजस्ट हो गया, हुआ है कि नहीं? जी हाँ हुआ है, बिल्कुल हुआ है, 1,00,000 हो गया। अब देखो, अब यहीं तक रुक जाओ, अब आ जाओ वर्किंग नोट पे। अब वर्किंग नोट बहुत अच्छी तरीके से हमें करना होगा। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, वर्किंग नोट 1, देखो अलॉट किया गया था विवा, किसका है ये, कौन है पहला वाला, विवा, विवा का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अलॉट कितना किया गया था, 750 शेयर। तो ये अप्लाई कितना के लिए किया है कि नहीं? अप्लाई हमेशा बड़ा होता है, तो अप्लाई होगा हमेशा 1,00,000 रुपया अप्लाई होगा, ये सुनो, एप्लीकेशन क्या फाइंड आउट करना है, अलॉट है ना, हमें अप्लाई वाला फाइंड आउट करना है, ये सुनो। तो 1,00,000 अलॉट दिया हुआ है, अलॉट 1,00,000 रुपया, हमें अप्लाई निकालना है, ये सुनो। तो अलॉट किया गया है 75,000, एप्लीकेशन है 75, अप्लाई निकालना है, हाँ, तो हमेशा बड़ा वाला ऊपर। ओके, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 75,000 मल्टीप्लाई 750, तो ये अप्लाई आ जाएगा। ओके, तो इसको आप करके देखो, डिवाइड बाय 75,000 मल्टीप्लाई 750, 999.99, 999.99, तो ये 1,000 हम कर देंगे। देखो अलॉट कितना किया गया है, विवा हु वाज अलॉटेड 750 शेयर, विवा को अलॉट किया गया है 750 शेयर, तो विवा ने कितना के लिए अप्लाई किया होगा, हमें वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए बड़ा वाला ऊपर, हमेशा अप्लाई बड़ा होता है, तो अप्लाई बड़ा वाला ऊपर डिवाइडेड बाय 75,000 इनटू ये अलॉटमेंट वाला, ये तो आ गया 1,000। ओके, अब देखो 1,000 आ गया, अभी एरिया देखो, अभी ये हुआ कैसे, अभी आपको करना होगा, देखो कितना है, 750 शेयर है, कितना रुपया करके, 3 रुपया करके, तो 750 यहां तक ये 1,000 आ गया, 750 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ रहा है 2,250, और ऊपर से कितना है अप्लाई आपका आ गया है, ये अप्लाई है
2250 माइनस 1000 इक्वल टू 1250, ये होगा आपका एरियर। ये इतना पैसा नहीं मिला है, ओके। तो 1250 आपको कहाँ लिखना होगा, यहीं से आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा यहाँ से माइनस 1250, ओके। तब जाके आपका आंसर आएगा यहाँ पे। तो 225000 माइनस 100000 माइनस 1250, 123750, 123750, ओके। तो बस ये खेल आपको समझ में आना चाहिए, ओके, कि अलॉट कितना किया था, अलॉट किया था 750 शेयर, ओके, और एप्लीकेशन कितना के लिए रिसीव हुआ है, 1,00,000। तो एप्लीकेशन जो फाइंड आउट करना है हमें, अप्लाई फाइंड आउट करना है, तो उसको ऊपर रखेंगे, ओके, और 75 नीचे, क्योंकि अप्लाई हमेशा बड़ा होता है, अलॉट हमेशा छोटा होता है, ये आप उस तरीके से ध्यान रख लेना, ओके। फिर आपका 1000 आ गया, तो 1000 ये आपका अप्लाई किया था, तो मिला था उसको 750। तो 750 मल्टीप्लाई 3, सबको लगा कि एरियर ये है, लेकिन ये तो आपका अप्लाई इतना के लिए किया था ना, तो इसको आपको हटाना होगा, माइनस करना होगा। तो हो गया आपका इतना, बैंक में आ गया। अब नंबर 5, नेक्स्ट नंबर 5 नंबर है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब फॉरफीचर का एंट्री हम लोगों ने कर लिया, तो फॉरफीचर कितना हुआ है पता ही चल रहा है, ये रहा फॉरफीचर 1250, नहीं मिला इतना, है कि नहीं, इतना नहीं मिला, ओके। तो मिला कितना, है कि नहीं, मिला कितना, सबसे पहले तो हम लोगों ने कितना मांगा है, कॉल्ड अप मनी यहाँ लिखा था, है कि नहीं, इसमें क्या लिखा था, कॉल्ड अप वैल्यू इसमें लिखा था। तो कॉल्ड अप कितना, 750 मल्टीप्लाई कितना मांग लिया हम लोगों ने, 7 रुपये अभी तक मांग लिया है, तो इसका आप करोगे तो आ जाएगा 5250, और आप माइनस करोगे इससे तो ये भी आ जाएगा यहाँ पे बैलेंस, ओके, कितना आ जाएगा इसका 4000 जो आ गया है, ओके। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ओके, ये हमें पता चलेगा कितना कॉल्ड अप है, कितना मांगा है, ओके, और ये आपका एरियर है, क्योंकि जो कि ये रहा और आपका ये रहा बैंक में, फॉरफीचर हो गया। अब सेकंड कॉल का मांगते हैं, फॉरफिट हो गया इस शेयर से, फॉरफिट जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसे वैसे करेंगे, कि हर शेयर वे इमीडिएटली फॉरफिट आफ्टरवर्ड, उसके बाद द सेकंड कॉल वाज में, अब सेकंड कॉल किया जाएगा, द अमाउंट डी वन सेकंड कॉल वाज रिसीव एक्सेप्ट 1000 शेयर अप्लाइड बाय मोनिका। तो 1000 शेयर जो मोनिका अप्लाई किया है वो नहीं मिलेगा, बाकी सब मिल जाएगा। तो आप लिखो नंबर 6, इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो अभी बचा कितना था, 75,000 था, माइनस 750 तो गया, 75,000 माइनस 750 तो बच गया 74250, ये सर ना, तो 74250 मल्टीप्लाई कितना है, इसका भी 3 है, तो मल्टीप्लाई 3, 222750, 222750, ओके। अब नंबर 7, नंबर एंट्री बैंक में कितना आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ओके। अब यहीं पे मैं बताता हूँ अप्लाई इसका क्या दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है आपका द अमाउंट ऑफ सेकेंड कॉल अप्लाई दिया हुआ है मोनिका का अप्लाई दिया हुआ है 1000, तो इसको कितना अलॉट हुआ है कि नहीं, तो जो निकालना है उसको ऊपर रखते हैं, अलॉट कितना हुआ है, इसके लिए हम आपको 75000 डिवाइड बाय 1000, 1,00,000 मल्टीप्लाई 1000, ओके। तो 75 इसका आ गया 750, ओके।
तो इसमें अप्लाई दिया हुआ था एलोटेड निकालना था, ये एलोटेड है, एलोटेड टू मोनिका, ओके। तो इसमें दिया था, इसमें पहले वाले केस में हमारा क्या था, पहले वाले केस में था कि एलोटेड दिया हुआ है, अप्लाई निकालना है। अब इसमें है अप्लाई दिया हुआ है कि मोनिका ने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो उसको कितना अलॉट हुआ है, तो उसको 750 अलॉट हुआ है, ओके। अब देखो 750 अलॉट कर दिया, 750 अलॉट कर दिया, ठीक है। तो 750 मल्टीप्लाई 3 रुपये करके उसको नहीं मिला होगा, ओके। अलॉट तो 750 किया है, तो उतना नहीं मिला शेयर, तो कितना है 222750 जो कि ये है, माइनस 750 मल्टीप्लाई 3, इतना नहीं मिला, अलॉट किया था इतना का पैसा उसने नहीं दिया, 2250। तो इसको माइनस करके हम लोग लिखेंगे 220500 डेबिट में इधर और 220500 क्रेडिट में इधर, ओके। मैंने ये यहीं पे कर दिया जो कि आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा इसके लिए, ओके। नंबर 8, अब फॉरफीचर का एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, ओके। तो अमाउंट कॉल्ड अप, कितना कॉल्ड अप किया है, 750 मल्टीप्लाई सारे मान लिए 7500, ओके। अब नहीं मिला कितना, ये रहा 2250, तो जितना मिल गया उतना माइनस कर दो, 7500 माइनस 2250, इसमें तो माइनस 1000 नहीं करना है ना, 5250, ये हो गया बैलेंसिंग फिगर भी आप लिख सकते हो, ओके, 5250। अब रीइशू का एंट्री, नेक्स्ट एंट्री आएगा आपका नंबर 9, रीइशू एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ओके। अब देखो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था अलॉट, इसका भी अलॉटमेंट आ गया, इसका तो पहले से ही दिया हुआ था अलॉटेड विवा का कि 750 अलॉटेड है, और इसका हम लोगों ने अलॉटेड निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया है कि नहीं, इसका अप्लाई दिया हुआ था अलॉटेड फाइंड आउट कर लिया, तो 750 और 750 1500 अलॉट हुआ था, तो जितना भी अलॉटेड शेयर है सबको फॉरफीचर किया है, तो सबसे पहला बात तो 1500, ये 1500 कहाँ से आया, 750 प्लस 750 मल्टीप्लाई 10 होना चाहिए था 15000, ओके। लेकिन कितना में रीइशू किया है, डायरेक्ट दे दिया है क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया है 9000, ओके। ऑल द फॉरफिटर शेयर वर रीइशू टू मोहित फॉर 9000, तो 9000 पहले ही दे ही दिया है, तो हमें कुछ करने का जरूरत है नहीं, तो मिला कितना नहीं, 6000 रुपया, या आप लॉस मान लो, डिस्काउंट मान लो, जो भी मान लो, ओके, या आप लॉस मान लो या डिस्काउंट मान लो, बट हम लोग लिखते नहीं है, हम लोग लिखते हैं डेबिट कर देते हैं टू शेयर फॉर फ्यूचर को, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये तो गिवन है क्वेश्चन में ही, और ये अलॉटेड जितना भी अलॉटेड शेयर है जो सबको फॉरफिट कर दिया गया है, तो कितना है अलॉटेड, 750 पहले से ही दिया हुआ है, और ये हम लोग फाइंड आउट कर लिया 750 सेकेंड वाले में, ओके। ये तो 1500 शेयर इंटू 10 बचा इतना। अब नंबर 10, कैपिटल रिजर्व एंट्री, इक्विटी शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, ओके। तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ओके। तो मैं डायरेक्ट अमाउंट लिख देता हूँ, सबसे पहला फॉरफिचर कहाँ पे है, पहला फॉरफिचर है ये रहा, पहला फॉरफिचर का 4000, तो 4000 वर्किंग नोट मान लो, ये 4000 मल्टीप्लाई रीइशू बाय फॉरफीचर, ये सर रीइशू बाय फॉरफीचर, नंबर ऑफ शेयर रीइशू बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफीचर, तो नंबर ऑफ शेयर रीइशू कितना है, जितना रीइशू हुआ उतना ही फॉरफीचर हुआ है, ओके, 750। और दूसरा वाला किधर है,
दूसरा वाला फोर फीचर किधर है? ये रहा दूसरा वाला फोर फीचर, 5250। ओके, तो 5250 मल्टीप्लाई 1000 रुपया था मोनिका का, माइनस री इशू का एंट्री में जो फोर फीचर आता है 6000, ये 6000 इधर। ओके, मैं ऐसा करवाया हुआ हूँ, आप जाके देख सकते हो। इससे पहले वाले वीडियो में मैं बस शॉर्टकट में लिख दिया, मैं ऊपर लिख नहीं रहा हूँ। ओके, नंबर ऑफ शेयर फोर फीचर वो सब आता है, तो ये अंडर कैंसिल कैंसिल, तो बचेगा 4000 प्लस 5250 माइनस 6000। तो इसको कैलकुलेट कर लो, 4000 प्लस 5250 माइनस 6000, 3250, जो कि हमारा आंसर सही है। तो इस मेथड से करोगे, तो मैंने यही मेथड से करवाया है सारा। ओके, आप देख सकते हो वीडियो 16, वीडियो 14, 15। ओके, तो हम इस चीज़ को चेंज नहीं करें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 87। नाइट्रो पेंट्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1,60,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। द अमाउंट वाज पेएबल एज फॉलोज। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ऑन एप्लीकेशन 6 रुपया, 1 रुपया प्रीमियम, ऑन अलॉटमेंट 3 रुपया, 1 रुपया प्रीमियम, द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल। एप्लीकेशन फॉर 1,80,000 शेयर फॉर रिसीव कितना हो गया? 1,80,000, 20,000 ज़्यादा रिसीव हो गया शेयर। एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर वेयर रिजेक्टेड, 10,000 को तो रिजेक्ट कर दिया गया, बचा 10,000। एंड प्रोडाटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट, और जो भी बच गया 10,000 उसको प्रोडाटा से हम लोग एडजस्ट करेंगे। ओवर पेमेंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड टूअर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, ठीक है, हो जाएगा। ऑल कॉल्स वेर मेड एंड वेर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल फ्रॉम आदित्य, ठीक है, देख लिया जाएगा। हु वॉज अलॉटेड 3,200 शेयर्स, ही शेयर्स वेर फॉरफिटेड, हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वेर री इशू, और जितना फॉरफिट हुआ है उसका आधा री इशू हो रहा है, कितना में 43,000, इसमें भी अमाउंट डायरेक्ट दे दिया। तो कहानी सिंपल है। ओके, स्टार्ट कर देते हैं कहना, है कि नहीं, स्टार्ट कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 87, जो कि पेज नंबर है 9.127, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ओके, कितना आया है? 1,80,000। ये बस आपको समझाने के लिए, मल्टीप्लाई 6 रुपये करके, ओके, तो वन ज़ीरो एट ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, सही है, 1,080,000। चलो, तो ये हो गया 1,80,000। यहाँ तक ये आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नंबर टू, अब देखो यहाँ पे खेल बहुत तगड़ा होने वाला है। तगड़ा क्या होने वाला है, मैं पहले लिख देता हूँ, आप यहीं पे समझ लेना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको प्रोडाटा का एडजस्ट भी करना है। ओके, कितना एडजस्ट करना है? सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले तो इसको काटो, सबसे पहले मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। सबसे पहले 1,60,000 इशू किया था, आ गया 1,80,000, उसमें 20,000 एक्स्ट्रा, 20,000 एक्स्ट्रा आया। ओके, उसमें से 10,000 तो रिजेक्ट, बचा रिमेनिंग 10,000, इसको प्रोराटा बेसिस पे हम लोग एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में। यही बोल रहा है क्वेश्चन, तो यही बोल रहा है। ओके, तो नंबर टू जो एंट्री होगा ये वाला, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, लिखना आप शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू SPR प्रीमियम भी है, टू शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक अकाउंट। अब ये किसके लिए, ये सब क्या चीज़ के लिए? इतना ये बैंक अकाउंट है रिजेक्ट के लिए, ये प्रोराटा एडजस्टमेंट के लिए, ये हो गया प्रीमियम के लिए,
यस और नो, बाकी तो आपको पता ही है। ओके तो चलिए मैं अमाउंट लिख देता हूँ, 10,000 रुपया रिजेक्ट हो रहा है मल्टीप्लाई 6 तो 60,000, 10,000 रुपया एडजस्ट हो रहा है मल्टीप्लाई 6 60,000, SPR में है 1,60,000 मल्टीप्लाई 1 रुपीज, 1 रुपया SPR में है तो ये 1,60,000 ही रहेगा। ओके 1,60,000 पे रहेगा, बाकी 10,000 का काम हो रहा है इधर और 10,000 का इधर हो रहा है, तो मेन 1,60,000 है। फिर इधर 1,60,000 मल्टीप्लाई 5 है कि नहीं, तो ये हो जाएगा 8,00,000, और बाकी जो ऊपर में किए थे 10,00,000 डेबिट, 80,000 डेबिट। आई होप आपको समझ में आया होगा, सबसे इम्पोर्टेंट एंट्री यही है। ओके अब चलिए नेक्स्ट नंबर थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके 1,600,000 मल्टीप्लाई 3, 3 रुपये करके हैं, 1,600 हो जाएगा, बाकी का तो एडजस्ट हो गया तो 48, 1,2,3,4 4,80,000 हो गया। अब अमाउंट कैसे आएगा देखते रहो, अब अमाउंट आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब इसके लिए आपको करना होगा एक छोटा सा वर्किंग नोट जो कि मैं यहीं पे बता देता हूँ। ओके अलग नहीं बता दूँ, मैं यहीं पे बता देता हूँ वर्किंग नोट, एक आप यहीं पे लिख लो, उसके बाद हम लोग एंट्री नंबर 5 कर लेंगे, कहीं पे समझने से मतलब है। ओके अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट है कि नहीं, अलॉटमेंट में क्या अमाउंट रिसीव नहीं हुआ वही जानना है ना हमें, तो सबसे पहले अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, कितना रिसीव हुआ है एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन पे कितना है, पहले तो आपको एक चीज जानना होगा, जानना होगा क्या, ये तो चलो यहां पे कर लेंगे। एक चीज देखो अलॉटमेंट, यहां पे आपको क्वेश्चन देखो, आप All calls were made and were duly received except allotment and final call from Aditya who has allotted 3200 share. उसको allot किया गया था 3200 share. उसने apply कितना के लिए किया था, उसने apply कितना के लिए किया था इसको हम find out कर लेते हैं। Apply कितना के लिए किया था, allotted 3200 share. हमें निकालना है apply. Yes or no? तो अप्लाई निकालना है, बड़ा वाला अप्लाई हमेशा बड़ा होता है तो बड़ा वाला हमेशा ऊपर रख लेते हैं हम लोग, तो अप्लाई कितना था 1,70,000, आप 80 मत लिख देना। ओके क्योंकि 10,000 तो क्या कर रहे हैं हम लोग, रिजेक्ट ही कर रहे हैं। ओके और 1,60,000 मल्टीप्लाई 3200, 1,70,000 डिवाइड बाई 1,60,000 इंटू 3200 3400, इतना के लिए अप्लाई किया था, अप्लाई बाय अप्लाइड बाय कौन है, हिज शेयर्स वर एप्लीकेशन में जस्ट प्रोवाइड अलॉटमेंट ऑल हिज शेयर्स है, ठीक है सर, रिसीव फ्रॉम आदित्य। ओके तो 3400, अब देखो एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन क्या, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कितना अप्लाई कितना के लिए किया था 3400, सही बात है, सही बात है, मल्टीप्लाई 6, एप्लीकेशन 6 के लिए था तो यही अमाउंट हमें फाइंड आउट करना था, 3400 मल्टीप्लाई 6 20,400। ओके लेस एप्लीकेशन मनी ड्यू कितना 3200, इतना नहीं दिया मल्टीप्लाई 6, एप्लीकेशन मनी ड्यू 3200 शेयर का पैसा नहीं दिया था, 3200 शेयर मल्टीप्लाई 6 19200,
तो इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1200। ओके 1200 इधर आ गया। अब अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना है 3200, अलॉटमेंट का कितना रुपया है 3 रुपये करके अलॉटमेंट है, तो 3200 3900 और लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी है कि नहीं, तो ये एक्सेस हो गया, ये ज़्यादा हो गया है कि नहीं, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इतना इतना रिसीव्ड हो गया है। ओके और ड्यू कितना था, इतना था, ज़्यादा मिल गया ना हमें, ज़्यादा मिल गया, तो एप्लीकेशन एक्सेस एप्लीकेशन जो मिला है उसको माइनस कर देंगे और जो बचेगा वो आपको हो जाएगा 8400। ये होगा आपका फाइनल अमाउंट, जिसे हम क्या, ये क्या अमाउंट है, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ये अमाउंट है ये। ओके तो ये जो यहाँ तक है ये वर्किंग नोट ही है समझ लो। ओके तो आप अमाउंट कैसे लिखोगे, था कितने का, कितना रुपया था, 480, समझाता हूँ मैं, 480 माइनस 60,000 तो पहले ही दे दिया है कि नहीं, 60,000 तो पहले ही दे दिया, देखो अलॉटमेंट का 60,000 रुपया, तो माइनस 60,000 माइनस 8400। ये खेल अगर समझ में आ गया तब आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन मनी ज़्यादा रिसीव हो गया है कि नहीं, अप्लाई 34 के लिए किया था, तभी तो हम लोग अप्लाई निकाल लिए ना, अप्लाई तो हम लोग इधर ही फाइंड आउट किए हैं, इधर अप्लाई 34 के लिए किया था है कि नहीं, अप्लाई निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है कि नहीं, जो फाइंड आउट करना है उसको ऊपर रखो है कि नहीं, तो अप्लाई 1,70,000, अब 1,80,000 क्यों नहीं, 10,000 तो रिजेक्ट कर दिया हम लोगों ने, ये समझना, तो इतना के लिए अप्लाई किया था, तो अप्लाई इतना के लिए किया था एप्लीकेशन मनी, फिर बाकी ड्यू कितना था 32,000 था, नहीं दिया था तो इतना, लेकिन ये एक्सेस हो गया तो एक्सेस को हम लोग माइनस कर दिया अलॉटमेंट में। ओके एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हम लोग हटा दिए, तो ये आपका जब करेंगे तो इसका आ जाएगा आपको 411600। ओके अब चलो, अब ये तो हो गया एंट्री, अब फर्स्ट कॉल का 4 नंबर हो गया, 5 नंबर, पांच नंबर आपका है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट नहीं, अभी पहले मांगेंगे पैसा तभी तो होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये सो ना टू SPR। ओके तो बस SPR जैसे जैसे है, 1 रुपया SPR है तो 1 रुपया 1,60,000 है तो 1,60,000 ही इधर हो जाएगा। ओके फिर 1,60,000 मल्टीप्लाई 3, ओके तो 16 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 48, तो 4,81,234। ओके तो दोनों का टोटल करके कितना आ जाएगा 1,60,000 मल्टीप्लाई 4, तो 1,60,64,1,234। ओके अब कितना मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो कितना आ जाएगा, हमें कितना, हमारे पास कितना था, देखो मैं बताता हूँ, हम लोगों के पास था 1,60,000 माइनस 3200 तो गया है कि नहीं, तो क्वेश्चन में दिया हुआ था 1,60,000 माइनस 3200 तो 1,56,800, तो 1,56,800 मल्टीप्लाई 4, तो इस तरीके से आप करोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके 6,27,200। ओके उसके बाद अब हम करेंगे फोर फीचर का एंट्री, इसी यहीं पे कर देते हैं, यहीं पे हो जाएगा नंबर 7, एंट्री नंबर 7 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब इसमें एसपीआर भी नहीं मिला था, एसपीआर अकाउंट
डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक, अब देखो सबसे पहले तो अलॉटमेंट जो हमने वर्किंग नोट में ही फाइंड आउट कर लिया है, जो वर्किंग नोट में 84,000 अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट है ना, तो ये तो हम अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट 8400। ओके, फर्स्ट कॉल का कितना था, 3200 मल्टीप्लाई 4 तो 128,000 फर्स्ट कॉल का, 3200 मल्टीप्लाई 4 क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है बोथ, क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑल कॉल्स वर मेड विद ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल का भी पूरा हो गया, तो 12,800। फिर आपका SPR में कितना आ जाएगा, 3200 मल्टीप्लाई 2 तो 3200 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा, नहीं मिला जो 6400। फिर इधर आ जाएगा 3200, सारा पैसा मांग लिया है, 3200 मल्टीप्लाई 10 कॉल्ड अप मनी यहाँ पे लेता है, आप कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला एंट्री अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ओके, तो 32,000। ओके, और जो बचा बैलेंस जो मिल चुका है वो यहाँ लिख देते हैं, ये सो ना, तो एक काम करते हैं, 32,000 प्लस 6400 माइनस 8400 माइनस 12,800 तो 17,200 ये हो गया शेयर फॉर फीचर का अमाउंट। अब नंबर एट यहीं पे कर देते हैं, री इशू एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू SPR। ओके, अब देखो इसमें डिस्काउंट नहीं होगा, SPR होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया है कितना मेरे इशू किया है, 43,000 ये क्वेश्चन में ही दे दिया हुआ है। ओके, 23,000 में हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वे री इशू, आधा फॉरफिटेड शेयर री इशू हो रहा है 43,000 में, तो था 3200 शेयर में से आधा मतलब 1600 शेयर क्या हो रहा है, री इशू हो रहा है, 1600 शेयर री इशू हो रहा है, ये सुनो, तो 1600 मल्टीप्लाई 10 16,000 ये सुनो, और जो बाकी बचा कितना बैलेंस 27,000, इसीलिए यहाँ पे SPR आ रहा है। ओके, अब आपको एक चीज अब देखना है, नंबर 9 कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर एंट्री, ये आपका कैपिटल रिजर्व फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना जाएगा, कैसे पता चलेगा, फॉर फ्यूचर का आधा, हाफ ऑफ द शेयर री इशू। ओके, तो हाफ कितना होगा, फॉर फ्यूचर का कितना है, फॉर फ्यूचर है 17,200, उसका आधा आपको 17,200 डिवाइड बाई 2 क्या 8600, आप ऐसे लिख सकते हो 8600, 17,200 माइनस 8600 आएगा 8600 ही, ये सुनो, क्योंकि हाफ ऑफ द शेयर्स वे रीशू, तो आधा रीशू है तो आधा चला जाएगा 50% ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर, अब 50% ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर यही होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें सीखने के लिए भी बहुत अच्छा था ये सब। ओके, मेन आपको ये वाला है, ये जो वर्किंग नोट है यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ। ओके, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।